नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी के सख्त निर्देशन में एवं सीओ रुधौली प्रीति खरवार के कुशल पर्यवेक्षण में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। कल रुधौली थाना क्षेत्र के एक गाँव में सरसों के खेत में मिली थी महिला की सिरकटी लाश। महिला की पट्टीदार अजय कुमार यादव ही निकला उस महिला का हत्यारा। रुधौली थाना क्षेत्र के भीटा राम सेन के पास अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा। थाना रुधौली पुलिस तथा स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। जोनल हेड चंद्रकांत पांडे की विशेष रिपोर्ट। ये थाना रुधौली में ग्राम सेमरा में 19 मार्च को एक महिला की बॉडी मिली थी एक खेत में। इसमें थाना रुधौली की टीम और एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा काम किया, उसका 24 घंटे में अनावरण कर लिया है। इसमें उसी का परिवार का पट्टेदार अजय कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका मोटिव था कि इनके परिवार में विवाद रहता था और महिला इसकी बहन की शादी में काफ़ी रोक टोक करती थी, इसके कारण इसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी और उस दिन फिर कुछ बात को लेकर विवाद हुआ जिसमें इसने पत्थर से मारा और फिर उसके जो हाथ में फसल काटने का औजार था उसी से उसने गला काट कर हत्या कर दी गई। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित कर। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।